हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी एट ईज। तो वीडियो का थंबनेल देखकर आप लोगों को इतना तो पता चल ही गया होगा कि मैंने अपने बोर्ड एग्जाम्स में, क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम्स में 100 में से 99 मार्क्स स्कोर करे थे इन केमिस्ट्री। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करी थी जिस वजह से मेरे 99 मार्क्स आए। एंड ट्रस्ट मी, मैंने इतना कोई हार्डवर्क भी नहीं करा था जितना लोग समझते हैं कि 99 मार्क्स स्कोर करने के लिए एकदम आपको दुनिया से कट होना पड़ता है और फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ दिन भर पढ़ना पड़ता है, रेगुलर पढ़ना पड़ता है। ये सब मैंने कुछ भी नहीं करा था। तो मैंने क्या टिप्स फॉलो करे थे उसको जानने के लिए प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा, ताकि आपका हर एक डाउट अच्छे से क्लियर हो जाए और आपको पता चल जाए कि बहुत ईजी वे में भी आप कैसे अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगती है बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन में, वो है स्टडी योर एनसीईआरटी थोरली, रीड योर एनसीईआरटी थोरली। बहुत जरूरी है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, आप फिजिक्स को पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी को पढ़ रहे हैं, चाहे आप क्लास 12th की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर क्लास 10th की बात करें, आपको एनसीईआरटी बहुत अच्छे से आनी चाहिए। एनसीईआरटी का एक एक एग्जाम्पल, एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करे हुए हैं, जो चैप्टर के बीच में एग्जाम्पल सॉल्व किए होते हैं, वो सब क्या क्या डायग्राम्स मेंशन हुए हुए हैं एनसीईआरटी में, एक एक लाइन एनसीईआरटी की जिनको एमसीक्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करके आ सकता है, आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइन अच्छे से आनी चाहिए। एनसीईआरटी शुड बी एट योर फिंगर टिप्स वाइल प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड एग्जाम्स। मतलब ये होना चाहिए कि बोर्ड एग्जाम से पहले आपने कम से कम 3 बार तो एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी हुई है। जैसे हम कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं ना कि ये इंसान तो एनसीईआरटी चाट के आया है, बस वही समझ लीजिए आप। आपको एनसीईआरटी इतने अच्छे से आनी चाहिए कि अगर कोई इंसान आपको एनसीईआरटी की कोई लाइन बोले तो आपको पता चल जाए कि हाँ, ये लाइन एनसीईआरटी के इस चैप्टर में मेंशन करी हुई है और इस चैप्टर के इस सेक्शन में मेंशन करी हुई है। इनिशियल पेजेस में ये लाइन है, एंड पेजेस में ये लाइन है। मे बी मेरी ये बातें सुनने में आपको ऐसा लगे कि मैम ऐसे क्यों कह रही है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा किसी को कैसे याद हो सकता है एक एक लाइन याद करना। लेकिन ट्रस्ट मी, जब आप एनसीईआरटी एक बार पढ़ लेंगे और एक बार उसका रिविजन भी कर लेंगे तो आपको खुद नहीं पता चलेगा, लेकिन आपको एनसीईआरटी इतने अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी कि कोई भी इंसान अगर आपको एनसीईआरटी की कोई भी लाइन आकर पूछे तो आप उस लाइन से रिलेटेड इजीली सारे क्वेश्चंस का आंसर दे पाएंगे। तो एनसीईआरटी बोर्ड प्रिपरेशन के लिए आपका रामबाण है। यू हैव टू स्टिक टू एनसीईआरटी व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड एग्जाम्स। मैंने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी थी बोर्ड एग्जाम्स के प्रिपरेशन में। ट्रस्ट मी, मेरे पास इतनी सारी रेफरेंस बुक थी और सबसे पहली जो रेफरेंस बुक मैंने पढ़नी शुरू करी थी वो थी मॉडर्न सीबीसी ऑफ केमिस्ट्री। तो मैंने जब मॉडर्न सीबीसी ऑफ केमिस्ट्री से क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू करे और थ्योरी पढ़नी शुरू करी, तो मैंने ये रियलाइज किया कि चैप्टर ही एंड नहीं हो रहा है। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि पहले मैं एनसीईआरटी को पढ़ूंगी और एक नहीं बल्कि 2-3 बार एनसीईआरटी अच्छे से करूंगी, और जब मैं एनसीईआरटी को लेकर श्योर हो जाऊंगी तब जाकर मैं किसी रेफरेंस बुक को फॉलो करना शुरू करूंगी। तो मैंने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़कर ही बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन की है। मैंने एनसीईआरटी की पूरी थ्योरी अच्छे से चाट डाली थी, मैं सच बता रही हूँ। मैंने एनसीईआरटी की एक एक लाइन, आप अगर कहें कि मैंने रट ली थी तो आप रट ली समझ लीजिए, लेकिन मुझे एनसीईआरटी की एक एक लाइन याद हो गई थी। मैंने इतने बार एनसीईआरटी के कॉन्टेंट को रीड कर लिया था कि अगर कोई भी इंसान मुझे वो लाइन आकर पूछे तो मुझे पता चल जाता था कि हाँ, ये लाइन इस चैप्टर में मेंशन करी हुई है और ये इस चीज से रिलेटेड है, उससे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जब आप किसी कंटेंट को बार बार पढ़ते हैं तो हर बार आपको कोई ना कोई ऐसा पॉइंट मिल ही जाएगा जो आपको लगेगा कि अरे, ये मैंने पिछली बार तो पढ़ा ही नहीं था। इसलिए बहुत जरूरी है कि एनसीईआरटी कम से कम 2 या 3 बार आप अच्छे से पढ़ चुके हों। फिर आपके पास टाइम मिलता है तो आप रेफरेंस बुक से क्या करिए, रेफरेंस बुक से एग्जाम्पल सॉल्व करने शुरू करिए। उसके साथ साथ आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स तो होते ही हैं, उन्हें सॉल्व करिए, इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो पहली चीज है रीड योर एनसीईआरटी थोरली। एनसीईआरटी के एक एक पॉइंट्स, एक एक एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से आना चाहिए। सेकेंड थिंग, स्टडी विथ फुल कॉन्सेंट्रेशन। अब ये हर कोई कहता है कि कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ो, और ये जरूरी भी है। देखिए, मैं उन स्टूडेंट्स में से बिल्कुल नहीं थी जो कि हर दिन पढ़ा करती थी। काफी स्टूडेंट्स होते हैं जैसे कि जो क्लास 12th में एंटर करते ही पहले ही दिन से लाइब्रेरी से भी बुक इश्यू करवा के, टीचर से भी बेस्ट बुक्स कौन सी है ये पूछकर, यूट्यूब पर वीडियोज देखकर, कोचिंग सेंटर में टीचर्स की हेल्प लेकर पहले दिन से ही तैयारी शुरू कर देते हैं बोर्ड एग्जाम्स की। और मैं ऐसे स्टूडेंट्स को सच में अप्रिशिएट करती हूँ, क्योंकि इतना हार्डवर्क मुझसे आज तक कभी नहीं हुआ, स्कूल टाइम पर तो बिल्कुल भी नहीं। मैं उन स्टूडेंट्स में से थी जो कि अगर हमारी क्लास टेस्ट होते थे तो मैं क्लास टेस्ट से 2 दिन पहले पढ़ती थी और चैप्टर रट के जाती थी और फुल मार्क्स लेकर आ जाती थी।
कुछ स्टूडेंट्स होते थे मेरे साथ के जो कि पहले दिन से ही पढ़ना शुरू कर देते थे क्लास 12th के, उनके भी उतने ही मार्क्स आते थे, और 2 दिन पहले पढ़ी भी मैं, मेरे भी उतने ही मार्क्स आते थे। तो ये रटने वाला कॉन्सेप्ट तो खैर आप अवॉइड करिए, पर मैं बस इतना कहूंगी कि अगर आपको लगता है कि आपके पास कम टाइम है, 5-6 महीने में प्रिपरेशन नहीं हो सकती, 95 अबव मार्क्स नहीं आ सकते, तो ये सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। आप आराम से 2-3 महीने की प्रिपरेशन में भी 95 मार्क्स से ऊपर स्कोर कर सकते हैं। मैंने 99 मार्क्स सिर्फ 3 मंथ्स के प्रिपरेशन में स्कोर करे हैं। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 3 महीने मैंने पढ़ा था, और फरवरी एंड से हमारे प्रैक्टिकल स्टार्ट हो गए थे, तो 3 महीने की प्रिपरेशन से ही मेरे 99 मार्क्स आए हैं। एंड ट्रस्ट में, मुझे खुद नहीं पता था कि मेरे इतने मार्क्स आ जाएंगे। इवन मेरे साथ के बच्चों को, जिन्हें ये लगता था कि ये हाँ स्कोर कर लेगी 80 अबव, लेकिन 99 डालेगी, इतना उनको भी एक्सपेक्टेड नहीं था। तो मैंने क्या किया था, मैंने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी थी, एग्जाम्पल्स सॉल्व करे थे अच्छे से, रेफरेंस बुक से और भी ज्यादा एग्जाम्पल्स सॉल्व करे थे, ताकि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाए कि हाँ मुझे अब ये चैप्टर अच्छे से आ गया है। और फिर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करे थे। तो पहली चीज, यू हैव टू रीड योर एनसीईआरटी केयरफुली। सेकेंडली, यू हैव टू स्टडी विद फुल कॉन्सेंट्रेशन। अगर आप हर दिन पढ़ने वाले बच्चों में से हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप हर दिन पढ़िए, फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़िए। लेकिन अगर आप उन बच्चों में से हैं जो कि दिन में सिर्फ 2-3 घंटे ही पढ़ पाते हैं, तो भी मैं ये कहूंगी कि जो आपने टाइम सोचा हुआ है कि इतने टाइम में एनसीईआरटी पढ़ूंगा, इतने टाइम में केमिस्ट्री पढ़ूंगा, तो प्लीज उतने टाइम में केमिस्ट्री को फुल फोकस्ड होकर पढ़िए। उस टाइम आपके दिमाग में और कोई भी चीज नहीं आनी चाहिए, कोई भी डिस्ट्रैक्शन आपके लिए हर्डल का काम नहीं करना चाहिए। आप चाहे दिन में सिर्फ 1 घंटे पढ़िए, लेकिन बहुत जरूरी है कि वो 1 घंटे की स्टडी आपके लिए प्रोडक्टिव साबित हो। अगर उस 1 घंटे में आपने भले ही पूरा चैप्टर पढ़ लिया, लेकिन आपको समझ आधा चैप्टर भी नहीं आया, तो वो 1 घंटे का पढ़ना किसी भी काम का नहीं। आप खुद की कैपेबिलिटी के हिसाब से डिसाइड कर लीजिए कि मैं हर दिन सिर्फ इतने घंटे पढ़ सकता हूँ, लेकिन इतने घंटे भी मैं फुल कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ूंगा, फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ूंगा। तो दूसरी चीज क्या है, यू हैव टू स्टडी विद फुल कॉन्सेंट्रेशन, चाहे वो कम टाइम के लिए भी क्यों ना हो। तीसरी चीज, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। आपने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, तो उस चैप्टर से रिलेटेड आप जितने भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं आप करिए। एनसीईआरटी के कंटेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे, बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करेंगे, क्योंकि इससे क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस ही खुद गिरने लग जाएगा कि मुझे कुछ नहीं आता। एनसीईआरटी में जितना कंटेंट मेंशन करा हुआ है, सिर्फ उस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। इसके लिए आप क्या करेंगे, पहले तो एनसीईआरटी के चैप्टर के बीच में जितने भी एग्जांपल्स दिए हुए हैं वो आप बार बार सॉल्व करेंगे, ताकि वो आपको अच्छे से आ जाए। कई बार बोर्ड के एग्जाम में चैप्टर्स के बीच के जो एग्जाम्पल्स होते हैं वही सेम टू सेम पेपर में आ जाते हैं, सिर्फ 2-3 वैल्यूज चेंज हो जाती हैं। तो अगर आपने वो एग्जाम्पल्स अच्छे से सॉल्व करे हुए हैं, तो आप सोचिए आपको कितना फायदा हो जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व करिए, हर चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं आप उन्हें सॉल्व करेंगे। थर्ड पॉइंट। अब फोर्थ पॉइंट की बात करें, अगर मेरी माने तो मैं ये कहूंगी कि थ्योरेटिकल चैप्टर्स को ज्यादा टाइम दीजिए। गिव मोर टाइम एंड मोर फोकस टू थ्योरेटिकल चैप्टर्स। अगर आपकी थ्योरी कंप्लीट हो गई है, अगर आप थ्योरी को लेकर फुल कॉन्फिडेंट है कि आपकी थ्योरी अच्छे से हो गई है, तब आप उन चैप्टर्स पर शिफ्ट हो जाइए जिनमें न्यूमेरिकल्स हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने वाली चीजें हैं, तब आप उन पर आइए। क्योंकि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, इससे क्या होता है, देखिए न्यूमेरिकल्स वाली चीज में क्या है कि आप इस बात की गारंटी नहीं दे सकते कि यही न्यूमेरिक टर्म आपके पास आने वाला है क्वेश्चन में। आपको कौन सी यूनिट किस फॉर्म में कन्वर्ट करके आंसर फाइंड करना हो, आप बिल्कुल भी गेस नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन थ्योरेटिकल चैप्टर्स में क्या होता है, आपके पास पूरा थ्योरी का कॉन्टेंट है, आपको पता है थ्योरी आएगी तो इसी कॉन्टेंट में से आएगी, यही डेफिनेशन आएंगी, यही एग्जाम्पल्स आएंगे। तो बहुत जरूरी है कि आप अपने थ्योरेटिकल चैप्टर्स को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लें। पॉलीमर्स, सरफेस केमिस्ट्री, ये सारे चैप्टर्स जिनमें सिर्फ एग्जाम्पल्स, डेफिनेशंस ये सब हैं, ये आपको अच्छे से आनी चाहिए। भले ही ये चैप्टर्स बोर्ड एग्जाम में बहुत कम वेटेज के होते हैं, लेकिन इस चक्कर में ये सोचकर कि कम वेटेज के हैं, बच्चे क्या करते हैं, इन चैप्टर्स को स्किप कर देते हैं और उन चैप्टर्स पर ज्यादा फोकस डालने लग जाते हैं जो कि टफ है। टफ चैप्टर्स तो उनसे हो नहीं पाते हैं, और जो चैप्टर्स उनसे हो सकते थे वो ये इस चक्कर में छोड़ देते हैं कि कम मार्क्स के हैं। एटलीस्ट वो कम मार्क्स वाले चैप्टर करके आप वो कम मार्क्स तो स्कोर कीजिए पहले। जब वो चैप्टर्स हो जाएंगे तब आप टफ चैप्टर्स पे आइए, तब डिफिकल्ट चैप्टर्स को सॉल्व करना शुरू कीजिए। तो पहले गिव मोर टाइम एंड मोर फोकस टू थियोरेटिकल चैप्टर्स, जब वो अच्छे से हो जाएं तो तब टफ चैप्टर्स पे आइए। कॉम्प्लेक्सिटी के लेवल को डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉल्व कीजिए, इजी टू टफ चैप्टर्स की तरफ जाइए। सबसे पहले इजी चैप्टर्स सॉल्व कीजिए, इजी चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर कीजिए, और फिर डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाइए। इस तरीके से बोर्ड प्रिपरेशन कीजिए। फिर आता है रिवीजन। बहुत जरूरी है कि आप टाइम टू टाइम जो भी कुछ पढ़ रहे हैं आप उसको रिवाइज करते रहे।
क्योंकि बहुत ऑब्वियस सी बात है कि जब मैं चैप्टर नंबर 1 पढ़ूंगी और मैंने एक महीने के अंदर अगर 6 चैप्टर्स पूरे पढ़ लिए हैं, तो मैं बहुत ऑब्वियस सी बात है कि पहले चैप्टर्स के बहुत सारा कंटेंट भूल चुकी होंगी। तो बहुत जरूरी है कि अगर आपने डिसाइड किया है कि 1 मंथ के टाइम में मेरे केमिस्ट्री के 6 या 7 चैप्टर्स हो जाने चाहिए, तो उन 7 चैप्टर्स का आपका रिविजन भी हो जाना चाहिए। आपको टाइम ऐसा मैनेज करना होगा कि आपके 7 चैप्टर्स एक बार के तो पूरे हो जाए कवर, लेकिन साथ ही साथ उनका रिविजन भी हो जाए। लास्ट चीज आती है इवैल्यूएशन। आपने जो कुछ भी पढ़ा है, आपको कितना समझ आया है, आप कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे हैं उस चैप्टर से रिलेटेड, इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप रेगुलरली खुद को इवैल्यूएट करते रहें। हर चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, खुद को मार्क्स दीजिए हर टेस्ट में, और देखिए कि विद टाइम आपके मार्क्स इंप्रूव हो रहे हैं या नहीं। चाहे तो आप एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, ऑनलाइन टेस्ट दे दीजिए किसी भी चैप्टर से रिलेटेड। ऑनलाइन बहुत सारे क्वेश्चंस अवेलेबल होते हैं डिफरेंट वेबसाइट्स पे, चैप्टर कंप्लीट होने के 2-3 दिन बाद ऑनलाइन कोई भी उस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी टेस्ट दे दीजिए, ताकि आपको पता चले कि उस चैप्टर से रिलेटेड आपके कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर है। तो यही थे वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने फॉलो करे थे, जिस वजह से मैंने अपने बोर्ड एग्जाम्स में 99 मार्क्स स्कोर करे थे इन केमिस्ट्री। पहली चीज, मैंने एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ा था। सेकेंडली, मैंने हर एक कंटेंट को बार बार रिवाइज करा था, अपने आप को इवैल्यूएट करा था टाइम टू टाइम, टेस्ट लिए थे खुद के और देखा था कि मेरे मार्क्स इंप्रूव हो रहे हैं या नहीं। मैंने एनसीईआरटी के एक एक एग्जाम्पल को अच्छे से सॉल्व करा था। जब मेरा कंटेंट पूरा एनसीईआरटी से कवर हो गया था, उसके बाद मैंने रेफरेंस बुक के एग्जाम्पल सॉल्व करने शुरू करे थे, लेकिन वही एग्जाम्पल्स वही क्वेश्चन सॉल्व करे थे जो कि मुझे लग रहे थे कि एनसीईआरटी के कंटेंट के लेवल के हैं। ज्यादा डिफिकल्ट लेवल पे जाकर मैं अपना कॉन्फिडेंस नहीं गिराना चाहती थी, तो मैं उतने ही लेवल पर रही जहां पर मुझे लगा कि हाँ, मुझसे सॉल्व हो पा रहे हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में पेपर एक एवरेज स्टूडेंट को ध्यान रखते हुए आता है, बहुत हाई लेवल का पेपर बिल्कुल भी नहीं आता है बोर्ड एग्जाम में। तो एनसीईआरटी में जितना डिफिकल्टी लेवल रखा हुआ था, उस हिसाब से मैंने क्वेश्चन सॉल्व करे थे। मैंने थ्योरेटिकल चैप्टर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी थी, मेरे थ्योरेटिकल चैप्टर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे एज कम्पेयर टू ऑल दोस चैप्टर्स जहां पे न्यूमेरिकल्स थे, क्योंकि थ्योरेटिकल चैप्टर्स को लेकर आप ये गारंटी दे सकते हो कि हाँ, सिर्फ यही डेफिनेशन आएंगे और यही एग्जाम्पल्स आएंगे। तो थ्योरेटिकल चैप्टर्स को ज्यादा टाइम दीजिए, ज्यादा फोकस दीजिए, और टाइम टू टाइम जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज करते रहिए, ताकि आप कुछ भी ना भूलें। तो आप लोगों से इस वीडियो में एक रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि आप खुद से कितना एक्सपेक्ट करते हैं कि आप केमिस्ट्री में इस साल बोर्ड एग्जाम में कितने मार्क्स स्कोर करने वाले हैं। आपको खुद की कैपेबिलिटी पता है, आपको पता है कि आप कितने मार्क्स ला सकते हैं। अगर मैं इस साल बोर्ड एग्जाम दे रही होती तो शायद मैं ये टारगेट लेती कि हाँ, मेरे अबव 90% आ जाएंगे। 99 तो मैंने भी नहीं सोचा था, लेकिन हाँ, एक मैंने स्मार्ट स्टडी टिप्स फॉलो करे जिस वजह से मेरे मार्क्स आए। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपको क्या लगता है कि आप कितने मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। सो यू विल मेंशन इन द कमेंट सेक्शन जो मार्क्स आपको लगता है कि आपके आ सकते हैं, और उस मार्क्स को आप टारगेट लेकर प्रिपरेशन शुरू करेंगे अगर आपने अभी नहीं करी है तो। और जब आपके बोर्ड एग्जाम्स हो जाएंगे, आपके मार्क्स आ जाएंगे केमिस्ट्री के, जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो आप उसी कमेंट पे दोबारा रिप्लाई करके मुझे बताएंगे कि हाँ मैम, मेरे इतने मार्क्स आए। सो आई एम रियली एक्साइटेड आपके एक्सपेक्टेशंस देखने के लिए, और आप अपनी एक्सपेक्टेशंस पर खुद खड़ा हो पाते हैं या नहीं ये देखने के लिए। मैं वीडियो का हर कमेंट खुद पढ़ती हूँ, खुद रिप्लाई करती हूँ, और हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई दे सकूँ। इफ इन केस गलती से मैंने किसी कमेंट का रिप्लाई नहीं किया हो, तो आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि मैंने इंटेंशनली उसका रिप्लाई नहीं किया है। कई बार ऐसा हो जाता है कि बहुत सारे कमेंट्स आ जाते हैं, कोई कमेंट स्किप हो जाता है और मुझे पता भी नहीं चलता। तो आप मुझे बताइए कितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस साल केमिस्ट्री के बोर्ड एग्जाम में, और जब आपका एग्जाम हो जाए तो अपने ही कमेंट पे रिप्लाई बैक करके आप मुझे बताएंगे कि आपने इतने मार्क्स स्कोर करे हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी, एग्जाम बहुत इजी आएगा, आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो मार्क्स भी बहुत अच्छे से आएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू बायोलॉजी एटीज फॉर द अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।